जी बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के. मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा, चाहे लोग कुछ बोलें. मैं युद्ध की फेवर में नहीं हूँ कभी भी, लेकिन अब हो रहा है तो अपने देश की फेवर में तो हैं हम लोग. हम देश की फेवर में हैं, जो देश करेगा हम उसकी फेवर में ही हैं ऑब्वियसली. पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग. अभी पहली बार तुम्हें कुछ हुआ है फिर तुम फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं सामने वाले को, चढ़ा रहे हैं. आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे. कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का. आप लोग जो पहली अभी पहली बॉल डाल दी बोल दिया हम जीत गए, अरे वहाँ से शॉट तो पड़ना था उसको पहले. दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं. एक अच्छा देश तमीज़ से रहता है. आपने कुछ किया है आप उसको क्लास से आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, क्लास से आइए. टीवी में जो डिबेट हो रही है क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बातें. आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली रियली ग्रो अप. एंड कोई भी काम करें अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तमीज से निकालिए. आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे मना सकते हैं आप लोग. हमारे मरे या उनके मरे हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं. हम किसी के वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं. आप किसी के मरने पे पटाखे कैसे बजा सकते हैं आप. सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल. एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं सर. अभी आप छोड़ो जी 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 बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए. आई थिंक जेनीवा कन्वेंशन में के हिसाब के मुताबिक भी ऐसे ही होना चाहिए. सो जो भी हो रहा है अच्छी बात है. एंड आई थिंक मैंने अभी कहीं कहा था पहले कि यू नो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर नो परमानेंट फ्रेंड्स. सो वी शुड ऑलवेज लुक एट, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे पड़ोसियों से मारामारी चल रही हो, हमारे लोग फौज में जा रहे हों, और हम चाहेंगे अच्छा होना चाहिए. इट्स अ गुड साइन एंड आई थिंक इंडियन शुड टेक इट. And Pakistani should also not make it ki hum jeet gaye aise waise nahi hona chahiye. It should be done with lot of class and both the countries have to show a lot of poise in henceforth they should show lots of poise. Thank you.